नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खबर के बारे में जहां पे इंडिया को इनवाइट किया गया है टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए इंडिया को इनवाइट किया गया। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे ये IEA है क्या, इंडिया को इन्वाइट किया गया है क्यों। अगर इंडिया को इन्वाइट किया गया है इसका मतलब है कि इंडिया और एटलीस्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ IEA मेंबरशिप, राइट। तो इससे हम लोग बात करेंगे IEA मेंबरशिप के हमारे लिए फायदे क्या मिल सकते हैं और इन जनरल IEA के रिगार्डिंग चर्चा चलिए। तो ये पर्टिकुलर डिस्कशन MCQ के दृष्टिकोण से काफी जरूरी रही, यानी कि इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं इंडिया की मेंबरशिप के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू IEA और IEA के ऊपर ही सवाल बन सकते हैं। सिंपल सा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू IEA, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या काम करता है, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके लिए बन सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे इन ID से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट PSC की, देन डू विजिट studyiq.com और डाउनलोड आर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया खबर क्या है, इंडिया हैज बीन इन्वाइटेड टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ IEA। तो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया फिलहाल IEA का फुल टाइम मेंबर नहीं है। तो इंडिया और IEA का रिश्ता क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हो, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ऑन मंडे ही हेल्ड डिस्कशंस विद द IEA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फती बिरोल, जहां पे इंडिया को इनवाइट किया गया टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब सवाल ये उठता है कि IEA है क्या, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सबसे पहले इज इट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। प्लीज रिमेंबर, IEA वर्क्स वेरी क्लोजली विद यूनाइटेड नेशंस, बट IEA एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया था OECD ने। अब ये OECD है डेवलप्ड कंट्रीज जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आते हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, उसके फ्रेमवर्क के अंडर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था 1974 में। अब जब शुरुआती दौर में बना था, ये मेनली फोकस करता था सप्लाई ऑफ ऑयल के ऊपर, यानी क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि 1973-74 में क्राइसिस आया था जिसके चलते हुए ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई गई थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, मैं कहूंगा 21st सेंचुरी से, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो और भी बढ़ चुका है। क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल एनर्जी पे तो काम कर ही रहे हैं, यानी कि ऑयल, गैस एटसेट्रा, कोल के ऊपर तो इनकी चर्चा चली रही है, ये लोग इनपुट्स देते हैं कंट्रीज को। इनफैक्ट IEA एक बहुत ही मेजर पॉलिसी एडवाइजर है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा। लेकिन ट्रेडिशनल एनर्जी से शिफ्ट करते हुए इन लोगों ने अपना फोकस अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया हुआ है। अब इनका मैंडेट क्या होता है, इनका मैंडेट ये होता है कि ये डेटा हो गई, उनके एनालिसिस हो गई या फिर रिकमेंडेशन हो गई किसी भी देश के लिए कि आप अपनी एनर्जी पॉलिसी इस तरह से बना सकते हो, आप अपनी एनर्जी पॉलिसी इस तरह से बनाइए जिससे आप सस्टेनेबल बन सकते हो, इस तरह की इनपुट्स देती है टू द कंट्रीज। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में, आपको याद रखना है। और जरूरी चीज ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इट पब्लिशेस एनुअल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। चलिए मैं आपको सीधे इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूं, यहां से कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखिए, ये है वेबसाइट IEA की, जहां जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज होने वाला है। अगर आप क्लिक कर दोगे अबाउट पे, आप पहुंच जाओगे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी। यू कैन लर्न अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इनका मिशन क्या है। IEA इज कमिटेड टू शेपिंग एंड सिक्योरिंग सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। देयर एरियाज ऑफ वर्क इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, स्ट्रक्चर में इनकी गवर्निंग बॉडी है, 2 साल में एक बार इनकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, बजट, स्टैंडिंग ग्रुप्स एंड अफिलिएटेड ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हर तरह से सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ वर्क करते हैं। इनफैक्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है कि क्लीन एनर्जी सबको मिले। इसके अलावा इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैंने आपको बताया फती बिरोल, साथ ही साथ इनके मेंबरशिप पे आप देखोगे 30 मेंबर है, 8 एसोसिएशन कंट्रीज है। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट इंडिया जल्द ही इसका मेंबर बन सकता है। यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हो, 1974 ये में बना था। इनफैक्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी लंबी स्टोरी यहाँ पे है क्यों ये बना था, क्योंकि 1973-74 में मिडल ईस्टर्न क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से पूरे विश्व में ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई थी। उसी के चलते ये बॉडी आई ताकि सबको ऑयल सप्लाई सस्टेनेबली मिले। लेकिन धीरे धीरे से ऑयल, गैस यानी कि फॉसिल फ्यूल से ये लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी।
सो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब कुछ सवाल उठाते हैं। सबसे पहला सवाल, इंडिया और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का क्या रिश्ता है? देखिए, इंडिया एक फुल टाइम मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना, एक एसोसिएट मेंबर है ऑलरेडी, राइट। एसोसिएट मेंबर हम लोग बने थे 2017 में। इसके अलावा हम लोग रिसेंटली ये भी चर्चा कर चुके हैं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, आई होप यू रिमेंबर, कुछ महीनों पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी 2021 में हम लोगों ने डिस्कशन की थी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जो IEA की थी, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। इसके अलावा 2021 की शुरुआत में ही IEA के मेंबर्स और इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्री किया था, जहां पे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक मुहिम छेड़ती है IEA के मेंबर्स और इंडिया ने। तो इंडिया का और IEA का काफी, मैं कहूंगा, पुराना रिश्ता है। 2017 से एसोसिएट मेंबर है, उससे पहले भी IEA ने काफी मदद की है इंडिया की, और अभी उन्होंने इन्वाइट किया है इंडिया को कि वो फुल टाइम मेंबर बने। अब सवाल ये उठता है कि इसकी मेंबरशिप की क्राइटेरिया क्या है। देखिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू ज्वाइन IEA? सबसे मेन जो है, फर्स्ट पॉइंट आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्रूड ऑयल एंड द प्रोडक्ट रिजर्व्स इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स नेट इंपोर्ट्स, यानी कि 90 दिनों की आपके पास एक रिजर्व होनी चाहिए पिछले साल के इंपोर्ट के कंपैरिजन में। अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी नहीं है, देखिए, इवन इफ द गवर्नमेंट डज नॉट ओन देम डायरेक्टली, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन, बट 90 दिनों की ग्लोबल सप्लाई आपके पास होनी चाहिए। ग्लोबल सप्लाई में अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए तो 90 दिनों तक आप अपने क्रूड ऑयल के ऊपर सर्वाइव कर सको, ये इसका क्राइटेरिया है। इसके अलावा 10% डिमांड रेस्ट्रेंट प्रोग्राम है, यानी कि ऑयल कंजम्पशन को रिड्यूस करना है 10% से, ये हमारी एक रेस्ट्रेंट प्रोग्राम बननी चाहिए। इसके अलावा लेजिस्लेशन आनी चाहिए टू ऑपरेट एज कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स के लिए। इसके अलावा लेजिस्लेशन एंड मेजर्स टू एंश्योर दैट ऑयल कंपनीज अंडर ज्यूरिसडिक्शन रिपोर्ट रिक्वेस्ट पे IEA को रिपोर्ट करें, साथ ही साथ मेजर्स ले IEA के साथ काम करें। और इसके प्रति जो IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये कंट्री को गेज करेंगे, उनको एसेस करेंगे और देखेंगे कि ये पोटेंशियल मेंबर कंट्री इन क्राइटेरियाज को मीट कर सकते हैं या नहीं। और जब इन्होंने इन्वाइट किया है इंडिया को, तो इंडिया डज फुलफिल द क्राइटेरिया और इज हैज द पोटेंशियल टू फुलफिल द क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हमारी खुद की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स देखिए, ये है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, क्रूड ऑयल की रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहाँ कहाँ बनी हुई है? इंडिया में पाडूर में, मैंगलोर में और विशाखापट्टनम में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके अलावा दो और जगह पे और बिल्ड हो रही है, एक है आपको चंदीकोल में यहाँ पे मिलेगा इन ओडिशा, और पाडूर इन कर्नाटक कोस्टल एरिया से, पाडूर और मैंगलोर दोनों। पाडूर में एक और 2.5 MMT का एक और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग इन सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को देखें, पोटेंशियली ये भी बनने के बाद, तो वी विल रीच अराउंड 15 डेज ऑफ ग्लोबल रिजर्व, यानी कि 15 दिनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिया को। ग्लोबली अगर क्रूड ऑयल बंद भी हो गया, तब भी हम लोग 15 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 दिन लिखा गया था। क्यों? क्योंकि इवन इफ गवर्नमेंट डज नॉट ओन, देर आर मेनी रिफाइनरीज, मेनी ऑयल कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ ओन्स मेनी ऑफ देम, तो उन सबको मिलाकर पोटेंशियली इंडिया हैज कैपेसिटी फॉर 90 डेज, ये असर्टन कर देंगे। IEA ने इन्वाइट किया है, देन इंडिया विल मैच दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ और बदलाव लाने पड़ेंगे, हमें अपने लेजिस्लेशन बदलने पड़ेंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी IEA से कुछ इनपुट चाहिए होगी, तो वी हैव टू प्रोवाइड इट टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो होपफुली विल बिकम द मेंबर वेरी वेरी सून। अब सवाल ये उठता है, व्हाई हैज इंडिया बीन इनवाइटेड, इंडिया को इनवाइट क्यों किया? देखिए, इसका आंसर काफी सिंपल है। इंडिया एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर बन रही है, हम जानते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग टॉप 5 एनर्जी कंज्यूमर्स की बात करें, इंडिया आपको टॉप 5 में जरूर मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, USA चाइना के बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इटसेल्फ। और इंडिया की जो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल इमेज बन रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स, पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसके चलते इंडिया को इनवाइट किया गया है बाय द IEA। इट इज अ टेस्टिमनी दैट इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द वर्ल्ड। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑल्सो। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग इसे ज्वाइन करें या नहीं। देखिए, पोटेंशियली काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसके काफ़ी अच्छे काम चलते हैं, क्योंकि वो एक मेजर पॉलिसी एडवाइज़र है बहुत सारी कंट्रीज़ का, तो इंडिया का भी एक पॉलिसी एडवाइज़र बन सकता है आगे चल के टूवर्ड्स ट्रांजिशनिंग फॉर क्लीन एनर्जी। और हम लोग ये ऑलरेडी मुहिम छेड़ चुके हैं, नेशनल सोलर मिशन हमें पता है, विंड एनर्जी की तरफ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरी रिन्यूएबल एनर्जीज को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमें डेटा प्रोवाइड कर सकता है, रिसर्च एनालिसिस
सम पॉलिसी रिकमेंडेशंस, किस तरह हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी ला सकते हैं इंडिया में या फिर कंप्लीट शिफ्ट कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं जिसमें IEA कैन श्योरली हेल्प अस। तो काफी सारी एडवांटेजेस होंगी जरूर, ऑल्दो थोड़ी सी क्राइटेरिया मीट करनी पड़ेगी। वी हैव टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वी हैव टू इन्वेस्ट टुवर्ड्स द इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एटसेट्रा, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो इंडिया को काफी एडवांटेजेस मिलेंगे। साथ ही साथ IEA काफी मदद कर सकता है इंडिया को हमारी जो एम्बिशियस इंटरनेट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की तरफ, उसे भी फुलफिल करने के लिए हम ये काफी मदद कर सकता है। सो पोटेंशियली इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। इनफैक्ट इट इज अ टेस्टिमनी दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर। तो जब भी इंडिया विल एक्सेप्ट दिस, हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कि इंडिया IEA का मेंबर बन चुका है या नहीं, उसके ऊपर हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे जब भी न्यूज आएगी। टिल दैट टाइम, दैट इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।